नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। कांपता शरीर, लड़खड़ाते पैर, सहारा लेकर चलते, ये हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित आर्ट डायरेक्टर लीलाधर सावंत। इन्होंने बॉलीवुड में करीब 25 साल तक आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया, लेकिन आज लीलाधर सावंत गुमनामी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। कभी गोविंदा को फिल्म दिलवाने के लिए सिफारिश करने वाले लीलाधर आज पाई पाई को मोहताज हैं। लीलाधर की पत्नी पुष्पा सावंत ने अपनी आर्थिक हालत को बयां किया। उन्होंने लीलाधर को लेकर कहा कि उनकी सेहत बेहद खराब है, वो काम तो दूर बोल भी नहीं सकते हैं। लीलाधर की दो बाईपास सर्जरी हो चुकी है, दो बार ब्रेन हैमरेज का अटैक भी आ चुका है। उनके इलाज में जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लग गई है। 25 साल काम करने के बावजूद उनके साथ अनिल कपूर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, ये सारे लोगों ने काम किया। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी उन्होंने शहनशाह काम में काम किया है। इतना होने के बावजूद अभी हमारी परिस्थिति यहाँ आने के बाद उनको बाईपास हुआ है और दो ब्रेन हेमरेज हुए उनको। अभी उनकी बात बिल्कुल कर नहीं सकते, उनकी तबीयत की परिस्थिति एकदम हालाकी की है, बात नहीं होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि आज डायरेक्टर की पत्नी पुष्पा ने पति के साथ काम करने वाले सभी स्टार्स से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि आर्ट डायरेक्टर लीलाधर सावंत महाराष्ट्र के वाशिम जिले में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों की माने तो उनका एक बेटा था जिसकी कैंसर से मौत हो गई और एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। अब लीलाधर और उनकी पत्नी अपने घर में रह रहे किराएदार के मिल रहे किराए के पैसे से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लीलाधर सावंत फिल्मों में स्टेज बनाने का काम करते थे। लीलाधर ने 177 फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का काम किया। उन्होंने हत्या, 100 डेज, दीवाना, सागर, जिद, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जुल्मी, हद कर दी आपने, अनाड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का काम किया है। उनके काम की वजह से ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के, फिल्म फेयर और मानिक चंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके घर पर बड़े बड़े अवार्ड सजे हुए हैं और लीलाधर बदहाली में जी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।